गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं खाने की पूरी वीडियो नहीं ले पाई, सिर्फ ब्रेकफास्ट की ही थोड़ी सी वीडियो ली। बनाया सैंडविच बना रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट के लिए। और मम्मी पापा जो हैं अभी मम्मी पापा रात को आ गए थे एक्चुअली, अभी उनको जाना है हॉस्पिटल पापा का चेकअप करवाने, तो शाम तक शायद वो आएंगे, देखते हैं। तब तक मैं अपना खाना वगैरह रेडी कर लेती हूँ, तब तक योगिता भी आ जाएगी, वो अपना काम कर लेगी। सॉरी नीचे थक गई, अभी आए डॉक्टर को दिखा के। ऑल वेल, किसी से बात नहीं, मैं तो अपने आप से बातें करती रहती हूँ। अपने आप से बातें करने की जिसकी आदत हो ना, उसको ब्लॉग चैनल स्टार्ट कर देना चाहिए। कैमरे से ही बातें करो। और बहुत ही चर्बी चाय बना ली आज तो मैंने यार, पापा आपके चक्कर में। इतनी सारी काली मिर्च डाल दी उसमें। काली मिर्च क्यों डाली थी? नहीं इतने डलवाई होगी। जब ये यहाँ पे मिर्च रहे थे, क्रेम रख पाए हवा या बढ़ लाओगी काली मिर्च का नाम। आपने कहा था काली मिर्च डाल, कहा था पर मेरे से ज्यादा डल गई, गलती मेरी है, ज्यादा डल गई। अच्छा वैसे काढ़ा चाय नहीं पी रहे। मीहू अपना होमवर्क कर रही है। हो गया, इतना ही होमवर्क था। अब देखो 5 बज गई है, इनके स्कूल वाले अब अपलोड करेंगे होमवर्क 5 बजे बाद। फिर बच्चा अब खेलने जाएगा कि होमवर्क ही करता रहेगा? इनके स्कूल में अभी यही चल रहा है। मम्मी पापा रेडी हो गए हैं वापस जाने के लिए, और कुछ काम ही नहीं है, बस बैठी हूँ तब से। बहुत दिन हो गया एयरपोर्ट मंगवाई मैंने, मैं बहुत आलसी हूँ यार ये सब मामलों में। सीरियसली जाना पड़ेगा मेरे को आज, आज नहीं कल खेले जाना। 2 o'clock ही हुए हैं, अभी से चले जाओगे तुम खेलने? है थोड़ा रट्टा मार लो, SST पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, कुछ पढ़ लो। अरे आज तो पूरा हाथ दुखा दिया हमारा पढ़ पढ़ के। तो अभी पढ़ाई थोड़ी ना करी तूने, अभी तो राइटिंग करी तूने। पढ़ाई की ना मिस ने आज पूरे दिन हमें पढ़ाई का लिखाया। आज लिखा दिया ना तो फिर आज होमवर्क नहीं मिलेगा। पूरा मिलेगा आज, मराठी में अच्छी मराठी मिलेगा, सिर्फ एक ही मिलेगा। मराठी तो कल भी किया था ना, पता नहीं चेक कर लिया टीचर ने वो? हाँ चेक किया। ठीक है ओके चलो ठीक है। तुम अरे 5 o'clock तो तुम्हें नहीं जाने दूंगी मैं अभी। हाँ जाऊँ मैं, अभी कुछ खाने के लिए देती हूँ, पहले बैठो। ऐसे भैया दानी जा रही है तो मीका किच्ची कुच्ची कर रही है। चलो बाय। अब मीका जा रही है खेलने। ये पानी की बोतल भर दी, जाओ खेलो। मैंने को सेम बोलूं बोल रही, लिफ्ट से मत जाना। हाँ बारिश बरसती कभी बंद हो जाएगी। हाँ बाय, सेफ है ना? नहीं बारिश बरसती कभी भी यहाँ लाइटें चली जाए। थर्ड फ्लोर पर अपने जान पहचान वाले रहते हैं, सेकंड फ्लोर पर जान पहचान वाले रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर से तो फटाफट ही आ गया। सेकंड टाइम चाय चढ़ रही है, बस मम्मी पापा जाने वाले हैं तो मैंने चाय पी लेते हैं एक बार सब लोग। चलो भैया जा रहे हैं मम्मी पापा। इस बार ज्यादा नहीं सामान लिए। चलो बाय बाय बाय। हाँ ऊपर ऊपर ऐसे रखो हाथ, हाँ ऊपर रखा करो। हाँ चलो बाय 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 बाय। तो गए मम्मी पापा वापस कोटा पापा का चेकअप करवा के, और इस बार की रिपोर्ट बहुत अच्छी, पापा की टचवुड। तो इस बार डॉक्टर ने थ्री मंथ में डॉक्टर बुलाता है हर 3 months के बाद कि चेकअप करना है, बट इस बार की रिपोर्ट टचवुड बहुत अच्छी है। तो अभी उन्होंने हमको आफ्टर 6 months की डेट दी है कि भाई अब आप 6 months में आओ चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि अभी वो सब हील हो गया है पापा का। तो दैट्स रियली अ गुड न्यूज़ फॉर एवरीबडी, फॉर ऑल ऑफ अस। क्या अब मैं ना, मैं अमेजोन पर एक सीरीज देख रही थी वाइल्स, तो मैं उसको देखती हूँ, जरा एक आध एपिसोड देखती हूँ मीका ये खेल लें। कोई आया? मम्मी पापा ही होंगे, फोन छोड़ गए होंगे। देखा, हाँ देखो कुछ छोड़ गए, मोबाइल कहाँ रखा है? ये रहा मम्मी का, मम्मी का भी। अच्छा ये मम्मी का मोबाइल छूट गया आज, मम्मी का मोबाइल छूट गया। चश्मा भी है क्या? चश्मा भी है क्या? कहाँ है चश्मा? नीली डंडी का है उसका। नहीं नहीं ये चश्मा नहीं है, चश्मा नहीं है। चलो ठीक है बाबा, ओके।
नीचे पहुंच गया, पहुंच के आ रहा है। हां नीचे थे हम लोग। अच्छा भाई नीचे पहुंच के आ गया, बीच में आ गया था लेकिन इस लिफ्ट में। हां लिफ्ट में आ गया। अच्छा अच्छा ठीक, मेरा सामान ले ले। ठीक ठीक ओके ओके बाय। ओके बाय। ऐसा भी हो जाता है। चलो बाय बाबा। बाय। कवर साफ कर दी? आओ कवर साफ सफाई कर देंगे। कंवर साहब मतलब माय हस्बैंड, हमारे राजस्थान में कुंवर साहब होते हैं, बेटी का पति इस कुंवर साहब। तो हमारे पापा के तीन कंवर साहब हैं। चलो हो गया सब। इस बार ना मम्मी पापा के साथ थोड़ी सी ट्रेजेडी हुई। ट्रेजेडी ऐसा हुई कि उन्होंने रिजर्वेशन करवाया 14 का, 15 को उनकी डेट थी एंड 15 को वो भूल गए कि आज हमारी डेट है, तो गए ही नहीं दिखाने डॉक्टर को। 15 को बैठ रहे घर पे, फिर 16 को गए दिखाने, जो 16 को मना कर दिया कि आज तो ओपीडी नहीं है। फिर 16 को उन्होंने वहाँ पर स्लिप कटवाई और आज का नंबर लिया और फिर आज दिखाया, तो ऐसे भूल गए इस बार। और ट्रेन में भी इस बार ऐसे ही हुआ, मतलब सुबह 8 बजे 14 तारीख को, सुबह 8 बजे 14 तारीख को सुबह 8 बजे मेरे पापा ने फ़ोन देखा। उनको तब तक माइंड में ये था कि रात के 10 बजे की ट्रेन है। फोन देखा और देखे तो 10 PM नहीं है, 10 AM है। सुबह 8:30 बजे याद आया फटाफट से, मम्मी रेडी हुई बाबूजी को, अब बाबूजी रनकुली हैं घर पे, पूनम गई है उसके मायके, तो उनको छोड़ के आए जैसे तैसे करके, मतलब अरेंजमेंट करके। मेरी बुआ भी वहीं रहती है ना, तो बुआ को बोल के आए। वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोटा शहर में तो सारे रिलेटिव्स रहते हैं और अब इतना क्लोज में बुआ है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो बुआ को हैंड ओवर करके आया थोड़ा बहुत जो भी था, मतलब बाबूजी का खाना वगैरह, तो ये सब हो गया। तो इस तरह की ट्रेजेडी हुई है इस बार मम्मी पापा के साथ। अब मम्मी पापा के साथ ना मैं ज़्यादा ब्लॉग्स नहीं बना सकती, क्योंकि देखो वो है ना बेचारे लोकल ट्रेन से टाटा जाते हैं, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जाते हैं, और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल दादर में। अब क्या होता है ना, जो नॉन मुंबई का है ना उसको लोकल जो है घबराहट होती है लोकल में, मेरे को आज तक भी होती है, तो क्या थक जाते हैं उस लोकल में। एंड सेकेंडली वो नॉर्मल डब्बे में नहीं बैठ सकते, बहुत 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 रश होता है। तो वो जो मेरे पापा वैसे भी कैंसर पेशेंट है तो वो अलाउड है उसमें, जो विकलांगों का डब्बा होता है ना उसमें अलाउड है, बट मम्मी अलाउड नहीं है। तो पापा को तो सीट मिल जाती है, तो मम्मी को बेचारी को खड़े रहकर पूरा टाइम, मतलब वसई टू दादर, फिर दादर टू वसई अगेन, खड़े खड़े आती मेरी मम्मी वहाँ हॉस्पिटल में भी। पापा को ही सीट मिलती है, मम्मी को नहीं मिलती। तो मम्मी जो है पापा के ट्रीटमेंट में बहुत सफ़र कर रही है शुरुआत से, पर अब देखो धर्म पत्नी इसी को कहते हैं, तो मम्मी की वजह से आज पापा बिल्कुल ठीक है। मतलब मम्मी, अगर मम्मी नहीं करती ना तो पता नहीं था, लेकिन ऑल ओके भगवान की दया से और मम्मी की कृपा से सब ठीक है। अब आज जाके हमको शांति मिली है, क्योंकि पिछली जो ट्रिप थी, पिछली ट्रिप में भी डॉक्टर ने बोला था कि हल्का सा भी है, मतलब गड्ढा है, यहाँ से जो कैंसर निकला था ना तो वहाँ गड्ढा हो गया था। तो वो गड्ढा भरने में ना मेरे पापा को कैंसर हुआ था 2018 में, पूरे 4 साल लग गए उस गड्ढे को भरने में, और अब जाके वो पूरा फिल हुआ है। बहुत स्ट्रगलिंग स्टोरी है, मैंने एक बार डाली भी थी बट ठीक है, किसी ने देखी नहीं। तो एनीवेज अभी सब कुछ ठीक है, और अब मैं अपना वाइल्ड्स देख लेती हूँ, एक दो एपिसोड देख लेती हूँ उसके, और मैं आज के ब्लॉग को अभी यहीं पे एंड कर देती हूँ। तो अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।